हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर फंक्शनल एनालिसिस का जो यूनिट आपका सेकंड है। यूनिट सेकंड में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ रीज डिलेमा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्ज़ाम में आता है, तो आज हम इसको स्टेट एंड प्रूफ करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीज डिलेमा को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। लेट एम बी अ क्लोज्ड एंड प्रॉपर सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स, देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0-1 देयर एग्जिस्ट अ जेड बिलोंग्स टू एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है एम बी आ क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस है। एक कोई नॉर्म लीनियर स्पेस हमने एक्स माना कि कोई नॉर्म लीनियर स्पेस ए एक्स है। अब एम है जो क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस है, इसका मतलब होता है कि जो एम है वो पूरी तरीके से इस नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स के अंदर निहित है, और प्रॉपर सब स्पेस मतलब एम के सारे एलिमेंट्स एक्स के अंदर हैं लेकिन जो m है वो x के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पहली लाइन आपको समझ आई होगी, m बी आ क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस x। तब आप किसी भी रियल नंबर थीटा के लिए, किसी इंटरवल 0-1 के लिए एक z एग्जिस्ट करेगा इस x में, इस नॉर्म लीनियर x में एक z एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरीके से कि नॉर्म ऑफ z की वैल्यू 1 होगी और नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा होगा। जितने भी x हैं वो कैपिटल M में बिलोंग करेंगे। ये हमने जो प्रॉपर सब स्पेस M है उसका कोई एलिमेंट x है तो वो कह रहे हैं कि जितने भी x, y, z एलिमेंट्स हैं वो इस M में बिलोंग, M से बिलोंग्स करते हैं। ठीक, अब इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट में दिया था M बी आ क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम M इज क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ X। तो M को हमने इस X का प्रॉपर और क्लोज्ड सब स्पेस बना दिया। तो जो ये प्रॉपर सब स्पेस M है वह X के इक्वल नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है कि यह क्लोज्ड और प्रॉपर सब स्पेस है, X के अंदर निहित होगा। तो यहाँ से X माइनस M इक्वल 5, यानी जो x माइनस एम ये पूरा x है आपका, इसमें से m निकल गया तो जो शेष जगह है वो खाली नहीं है, इसका मतलब ये है उसकी जगह पर कोई दूसरे सब स्पेस हो सकते हैं। तो हमने माना कि x माइनस एम के बाद जो जगह बची है वहाँ पे कोई एलिमेंट v है जो आपका x माइनस एम में बिलोंग करता है। जो आपका v है वो x के अंदर इंक्लूडेड है, इस x के अंदर ये v है लेकिन जो ये v है वो इस m में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इस m से हटके, इसका मतलब ये हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली जो रीज डिलेमा है इसमें आपको केवल स्टेटमेंट याद रखना है इस डायग्राम के थ्रू, और इसमें केवल इस भी एलिमेंट से इस प्रॉपर सब स्पेस m के कोई एलिमेंट x की जो डिस्टेंस है उसको निकालना है, बस आपका ये डिलेमा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालता हूँ v से m तक की डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे लेट d be the distance of v from सबस्पेस m, d for डिस्टेंस हो जाएगा, कहाँ से निकालना है, पॉइंट v से m तक की। जो हमने ये नॉर्म लीनियर स्पेस x लिया था इसमें सबस्पेस जो m लिया था और यहाँ पे एक पॉइंट v था, m का एक पॉइंट x था, तो यहाँ की दूरी लेना है। तो डिस्टेंस है v से m तक, इन्फिमम दूरी हमेशा न्यूनतम लेंगे हम, तो इन्फिमम नॉर्म ऑफ भी माइनस एक्स, ये हो गया भी एक्स, तो भी माइनस एक्स फ्रॉम जो एक्स है वो आपको एम में बिलोंग्स करता है। डी इज इक्वल टू इन्फिमम नॉर्म ऑफ भी माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हो गई ये दूरी तो 0 से बड़ी, यहाँ पे इक्वल यहाँ पे ग्रेटर देन, तो इन दोनों को हम मर्ज करके लिख देंगे भी माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। फिर कोई जो थीटा हमने इंटरवल लिया था 0-1 इज ए रियल नंबर, तो एक्स नॉट, अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि एक्स,
अब यहाँ के एलिमेंट होंगे x, x नॉट, x वन, x टू, सारे एलिमेंट्स इस m में होंगे, तो जो हम x के लिए लिख रहे हैं वो हम x नॉट के लिए भी लिख सकते हैं। तो लेट x नॉट बिलोंग्स टू m, देन d वही आपका लेस देन इक्वल v माइनस x नॉट, x की जगह क्या आ गया x नॉट, लेस देन इक्वल d अपॉन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब हम z का वैल्यू लेते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, v माइनस x नॉट अपॉन में नॉर्म ऑफ v माइनस x नॉट, यहीं से हमने इसको लिख दिया, ये z की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे z है तो इसका हम नॉर्म लेंगे, तो जब इसका हम नॉर्म लेंगे तो यहाँ नॉर्म लग जाएगा, यहाँ नॉर्म लग जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके इस नॉर्म ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं जो नॉर्म ऑफ z की वैल्यू है वो 1 आ गई, तो पहला जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। अब हमें नेक्स्ट प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट z माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, ये आपको हर जगह चिपकाते जाना है, x बिलोंग्स टू m, ठीक। फिर यहाँ पे z की वैल्यू थी v माइनस x नॉट अपॉन में v माइनस x नॉट वैल्यू थी। अब हम मानते हैं यहाँ पे मान लो एक है ओवर अपॉन में ही है, तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस x नॉट अल्फ़ा के बराबर है, ठीक, और जो अल्फ़ा है मॉड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा, तो यहाँ इसके स्थान पे हमने रख दिया क्या अल्फ़ा, और ज्यों का त्यों है जेड, हमें वैल्यू निकाल ली है इसकी, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो ये है वो पुट कर देंगे, तो नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स यहाँ पे, या तो इज इक्वल लगा दो या ग्रेटर देन कुछ भी लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा जेड की वैल्यू वी माइनस एक्स नॉट माइनस ये एक्स हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से कंटिन्यू करते जाएंगे, जेड माइनस एक्स अल्फ़ा वी माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे आपने जो अल्फ़ा है वो आपने कॉमन लिया है, तो ये वी माइनस एक्स नॉट हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे अल्फ़ा था नहीं तो यहाँ पे अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका जेड माइनस एक्स नॉट, अल्फ़ा आपने बाहर कर लिया है, वी माइनस एक्स नॉट माइनस अल्फ़ा इन्वर्स एक्स, मॉड अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, यहाँ पे भी आपने कॉमन लिया है माइनस एक्स नॉट प्लस अल्फ़ा इन्वर्स एक्स, ये हम कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना रहे हैं। सबसे पहले हमने भी माइनस एक्स लिया था, फिर हमने लिया भी माइनस एक्स नॉट, अब हम इस फॉर्मेट को भी माइनस एक्स वन में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम भी माइनस और इस सारे के सारे इस वाले को हमने एक्स वन मानेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा भी माइनस एक्स वन, ठीक। अब जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, और इसकी जगह पे हमने डी रख दिया, कैसे रखा डी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड माइनस एक्स क्या था आपका, देखो यहाँ पे वी माइनस एक्स डी के इक्वल था, तो यहाँ पे जो वी माइनस एक्स नॉट है वो डी बटे थीटा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया है वी माइनस एक्स वन को डी रख दिया है, और जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी आपने अभी देखी है, अल्फ़ा की वैल्यू थी ए, तो इसकी वैल्यू क्या थी डी बटे थीटा, और ए वन अपॉन डी अपॉन थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा बटे डी, तो अल्फ़ा की वैल्यू थीटा बटे डी, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई थीटा बटे डी, और यह डी डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल, फिर यही चिपका देना एक्स बिलोंग्स टू एम, और लिख देना दे आर एग्जिस्ट जेड, एक एक्स में ऐसा एलिमेंट जेड एग्जिस्ट करता है कि नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, और नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, फिर वही चिपका देना एक्स बिलोंग्स टू एम वेयर थीटा जीरो से वन। ये हो गई आपकी रिज डिलेमा, इसको आप थोड़ा सा अपने मन से समझेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगी। इसको आप सबसे पहले समझने के लिए क्या है, एक डायग्राम सीखिए, सबसे पहले देखिए आपको कैसे याद करना है। एक डायग्राम लिया, मान लीजिए एक्स एक नॉर्म लीनियर स्पेस है, इसके अंदर एक प्रॉपर एंड क्लोज्ड सब स्पेस एम है, हमें क्या करना है एक सब स्पेस एम लिया, एक बाहर एक पॉइंट वी लिया, और इस एम का कोई पॉइंट एक्स लिया, इस वी की इस एक्स तक की डिस्टेंस निकालना है, ठीक। ये स्टेटमेंट आपका इस डायग्राम से हो जाएगा। फिर आप सीधे आ गए यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस आपने वी से एम तक की निकाली, एम का एलिमेंट है एक्स तो वी माइनस एक्स हो जाएगा, इसी वी माइनस एक्स को यहाँ तक लेते चले, और
इस बी माइनस एक्स से ही आपको जेड की वैल्यू याद कर लेनी है। तो जेड बी माइनस एक्स नॉट अपॉन बी माइनस एक्स नॉट, जेड की वैल्यू 1 आपको प्रूफ करनी है, तो दोनों साइड नॉर्म लगा देना है और नॉर्म लगाते ही आपका जेड इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो जाएगा। फिर वी विल प्रूफ दैट आपको ये वाली वैल्यू प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो इस जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, जेड की वैल्यू इतनी बड़ी ना रख के, इसको आपने अल्फ़ा मान लिया था, तो ये वाली जेड की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है और सिंपली आपको इस वैल्यू को लेते जाना है। अल्फ़ा को आपने सबसे पहले कॉमन किया, फिर भी को कॉमन किया, यहाँ से कुछ इस तरीके के फॉर्मेट को बना लेना आपको। फिर इसकी वैल्यू डी होती है और अल्फ़ा की वैल्यू होती है थीटा बटे डी, लेकिन वहाँ बना अपॉन अल्फ़ा, तो थीटा बटे डी, तो डी बटे थीटा हो जाएगा, ये थीटा बटे डी हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा दोनों कंडीशंस। इतने में आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।